सुबह शहर थाना पुलिस को बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो बाइक जब्त की है। सेनवा शहर TI बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि शहर में बढ़ती बाइक चोरी की घटना को देखते हुए SP के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों को पकड़ने के लिए गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि देवझिरी निवासी शांतिलाल उर्फ शांत्या और राहुल जाधव चोरी की बाइक से घूम रहे हैं। टीम ने सूचना पर दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से दो चोरी की बाइक जब्त की। आरोपियों ने पूछताछ में अपने साथियों के साथ बाइक चोरी करना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। जी, हमारे यहाँ 5 मार्च और 21 मार्च इन दो तारीखों में दो मोटरसाइकिलें हमारे थाना सेनवा शहर क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसमें एक TVS अपाचे और एक CD डिलक्स गाड़ी थी। इन दोनों ही मोटरसाइकिलों की और चोरी करने वालों की हमें तलाश थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में हमें जानकारी मिली कि देवझिरी कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शांतिलाल उर्फ शांत्या पिता शिवराम बर्डे है, इसने जो गाड़ी है एक इसमें से चुराई है। और इसके साथ ही एक और आरोपी का नाम हमें ज्ञात हुआ कि राहुल जाधव जो कि ईरानी कॉलोनी में रहता है, इसके द्वारा भी एक मोटरसाइकिल चोरी की गई है। इनके पीछे हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। कल जैसा कि हमें मुखबिर सूचना मिली कि ये गाड़ी के सहित जो है क्षेत्र में कहीं घूम रहे हैं, जिस पर दोनों को आरोपियों को हमारी टीम द्वारा राउंड अप किया गया। बड़वानी जिला मुख्यालय के कालिका माता मंदिर में मेन गेट की छत गिरी है। छत गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, कई साल पुरानी बताई जा रही है छत। माँ कालिका माता मंदिर समिति के अध्यक्ष अश्विन पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में मेन गेट की छत गिरी है, जिसकी सूचना मुझे समिति के कोषाध्यक्ष विजय कलोशा के द्वारा दी गई। वैसे ही मैं मंदिर पहुंचा और यहां पर आकर देखा तो छत गिरी हुई थी। यह छत पहले भी इस प्रकार से गिर चुकी है, पर हमारे वरिष्ठ सदस्य महेश जोशी और समिति ने मिलकर इस जीर्ण शीर्ण छत को रिपेयर कर पूर्ण सुचारू किया था। यह छत लकड़ी की बनी हुई है और इसके दरवाजे भी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही मंदिर का गर्भगृह है, वो भी पुराना हो चुका है, बरसात में पानी लग लग कर पूरा सड़ चुका है। तो यह तो पहले प्लास्टर करवा कर सब ठीक कर दिया गया था, लेकिन आज सौभाग्य रहा कि किसी की जनहानि नहीं हुई, माता की कृपा से कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह दरवाजे तो पहले ही जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, लेकिन उसे समय पर रिपेयर करने के बाद अभी तक टिके रहे। समिति के द्वारा मेन गेट पर ताला लगाया गया, वहीं आगे की जो रणनीति है फिर तय की जाएगी। ये कालका मंदिर में छत गिरी, अभी मेरे को सूचना आई, हमारे विजय भाई कोषाध्यक्ष ने मुझे सूचना दी तो मैं भी आया। और ये छत तो पहले भी इसी प्रकार से एक बार गिर चुकी है, पर हमारे कुछ साल पहले वरिष्ठ सदस्य महेश जोशी जी और टीम ने मिल के उस छत को रिपेयर कराया था। और ये लकड़ी की छत है और ये दरवाजे जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ऐसे ही मंदिर का गर्भगृह भी पुराना हो बहुत है और पानी खा खा के ये सब सड़ गया है। तो ये तो उस समय महेश भाई ने प्लास्टर करके इसमें रिपेयर करके इस छत को रोक लिया था, ऊपर का उस लकड़ी की छत पे ही कंक्रीट करके वो इतने साल चल गया। पर आज ये सौभाग्यवश ये है कि कोई दुर्घटना नहीं घटी। हम इसके लिए माता जी का कृपा रही कि कोई दुर्घटना नहीं घटी। बड़ी बिजासन में आगामी चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर समिति प्रशासन और पुलिस की हुई बैठक। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। 9 दिनों तक मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे। महाराष्ट्र गुजरात निवासियों की कुल देवी होने से मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में माता के दर्शन व मन्नत उतारने के लिए भक्त पहुंचेंगे। इसको लेकर मंदिर समिति पुलिस और प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें मंदिर में सुचारू दर्शन, पार्किंग, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, AB रोड पर बैरिकेटिंग व पेयजल आदि को लेकर चर्चा की गई। सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त CCTV लगाने की भी कहा गया। चैत्र नवरात्र पर AB रोड पर प्रदेश की सीमा पर स्थित बड़ी विजासन माता मंदिर में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से घट स्थापना होगी। इसके बाद शत चंडी पाठ किया जाएगा। महाअष्टमी पर 16 अप्रैल को रात 11 बजे हवन होगा। नवमी पर सुबह से पूर्णावती होगी। बैठक में पानसिमल SDM, निवाली तहसीलदार, सेनवा SDOP, सेनवा ग्रामीण थाना प्रभारी, विजासन चौकी प्रभारी और मंदिर समिति सदस्य शामिल हुए। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में दो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को धर पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से 1,00,000 रुपए से अधिक का मसरूका और चोरी गया ई रिक्शा भी जब्त किया गया। चोरी, नकबजनी और अन्य वारदातों पर
पूर्णता अंकुश लगाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस इन दिनों काम कर रही है। नतीजा होने वाली घटनाओं में त्वरित मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में विवेचना शुरू की जाती है और मेहनत के बाद आरोपी तक पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करना और माल मसरूका का जब्त करना किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक ई रिक्शा और एक किराने की दुकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फरियादी की रिपोर्ट लिखने के बाद राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे माल की जब्त होना बताया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजेंद्र नगर में दो चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक ई रिक्शा चला गया था चोरी, जिसकी कीमत लगभग 1,10,000 के करीब थी, और किराना स्टोर से भी दूसरी चोरी हुई थी, जो कि किराना स्टोर पर कई किराने का सामान चला गया था। लगभग कुल मिलाकर 2,20,000 का मसरूका था जो चोरी चला गया था दोनों ही चोरियों में। इस पर से राजेंद्र नगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से लगभग 1,00,000 रुपए का मसरूका बरामद हो गया, जो किराना में जो चोरी की थी। दूसरा जो ई रिक्शा था, ई रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। ई रिक्शा को कुछ आरोपी पुलिस के पीछा करने पर उसको छोड़ के चले गए थे। फिलहाल उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, लेकिन फिलहाल ई रिक्शा और ये किराने में चोरी किया गया सामान दोनों जब्त किया गया है। खरगोन खंडवा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के विज्ञापन की कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की शिकायत। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पुत्र नरेंद्र पाटिल और कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर एक विज्ञापन अपलोड किया। इस विज्ञापन में बनावटी कोर्ट बनावटी जज है, जो कि बीजेपी के प्रचार में इनका उपयोग किया गया है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता और अधिवक्ता निखिल खंडेलवाल इस प्रचारित विज्ञापन पर आपत्ति लेते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। निखिल खंडेलवाल ने इसकी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल के जरिए शिकायत कर आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ केस दर्ज करने और इस विज्ञापन पर रोक लगाने की शिकायत की है। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष का विज्ञापन वीडियो कांग्रेस नेता और अधिवक्ता निखिल खंडेलवाल द्वारा ईमेल से की गई शिकायत बुरहानपुर खंडवा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के बेटे नरेंद्र पाटिल सहित कई कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर एक बनावटी जज और बनावटी कोर्टरूम का उपयोग किया था, जिसकी शिकायत कांग्रेस नेता व अधिवक्ता ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को की थी। इस पर सांसद व बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रतिनिधि एडवोकेट आदित्य प्रजापति की सफाई देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यह केवल एक बनावटी वीडियो लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है, कोई गंभीर नहीं है, फिर भी अगर कोई अवमानना होती है तो इसे देखा जाएगा। जी देखिए, परसों रात को मैंने एक वीडियो देखा, जो कि सांसद पुत्र एवं वर्तमान प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पुत्र नरेंद्र पाटिल ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। उसमें एक न्यायालय और जज का एक नाट्य रूपांतरण करके पेश किया गया है, जिसमें जज कहते हैं हफ्ती वार और पक्षकार कह रहे हैं दार्शोपाल, और उसी के बाद कमल निशान के साथ मोदी जी ज्ञानेश्वर पाटिल जी अपना एक चुनाव प्रचार एक कंटिन्यूशन ऐड किया है ऐसा पोस्टर, क्योंकि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किया गया है। और मेरे हिसाब से न्यायालय को जुडिशियरी को सब में घसीटना बहुत ही शर्मनाक है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। ये इस प्रश्न का जवाब आपने ही दे दिया, ये बनावटी वीडियो है। ये लोगों को समझाने का प्रयास है कि जो जिस तरह का वो वीडियो बना है प्रचार के लिए, कि जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है और उसको सुलझाने का काम कोर्ट करता है, तो ये ऐसा है कि एक बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा देश के लिए काम करने का विषय है, और दोनों अलग अलग दल हैं, दूसरे भी दल हैं, लेकिन राष्ट्रहित में जो काम करता है, जो दल काम करता है, उसके लिए वो जो पति पत्नी है वो एक साथ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीर विषय है। जबलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं नागरिकों को पुलिस प्रशासन की अहमियत समझने के लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जहां जबलपुर के हनुमान ताल थाना प्रभारी मानस द्विवेदी और CSP RKS राठौड़ ने हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत आज लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां केंद्रीय सुरक्षा बल भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुआ। हनुमानताल CSP RPS राठौड़ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जहां नागरिकों को जबलपुर शहर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और नागरिकों को पूरी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए दी जाएगी। हाँ, आज अपना सेंट्रल का फोर्स है CAPF बल के साथ हम लोग हनुमानताल से घोड़ा नक्काश, मिलौनीगंज, मछली मार्केट, बूढ़ी खैरमाई, चार खम्बा, बहुरा बाग होते हुए आपका जो मंडी मदार टेकरी होते हुए यहाँ भांतलगिया तक आए हैं और पूरा फ्लैग मार्च किया है, ताकि लोगों
आम जनता चुनाव के में शांतिपूर्वक मतदान कर सके, जो बदमाश लोग हैं उनमें भय उत्पन्न हो और निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार जारी है। खरगोन पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के हरनकुंडिया गांव में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपए के 7 क्विंटल 58 किलोग्राम गांजे के 2342 पौधे जब्त किए। दो खेतों में दबिश के दौरान पुलिस ने गांजा उगाने वाले आरोपी खेत मालिक गंसी उर्फ गणेश आव से निवासी हरनकुंडिया को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी ज्ञान से वास्कले फरार हो गया। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों के पहले गांजे की खेती को लेकर पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने फसल के बीच में लगाए 2342 गांजे के पौधे जब्त कर दोनों खेत मालिक आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। खरगोन SP धर्मराज मीना ने बताया कि खरगोन पुलिस ने गांजे की करीब 75 लाख रुपए के 2342 पौधे कुल 7 क्विंटल 58 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहार के पहले यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। ASP तरुणेंद्र सिंह बघेल और भिकनगांव SDOP राकेश आर्य की अगुवाई में 4 थाने की पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। IG इंदौर की ओर से भी पुरस्कृत कराया जाएगा। खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध रूप से उगाए जाने वाले गांजे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और करीब 2342 पौधे जो पूरी तरह से तैयार फसल के रूप में थे, इनका कुल वजन करीब 758 किलो था और प्रत्येक किलो के हिसाब से इसको 10,000 रुपये की मूल्य है, तो ये करीब 70 से 75 लाख रुपए की कीमत का ये गांजा खरगोन पुलिस के भिकनगांव सब डिवीज़न की थाना चैनपुर चौकी हेला पड़ावा वरोड बिस्टान और भगवानपुरा थाने की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की है। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता के लिए सभी कार्रवाई में शामिल रहे कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।